हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो मैं यूज़र हूँ अभी एक MI के डिवाइस का, जो कि कुछ अच्छा ही बैटरी कह सकते हैं। मुझे बहुत चीपर प्राइस उतर गया था, ऑलर मेरे पास मोबाइल था, वो सब भेजने के बाद चीपर प्राइस करने के बाद ये मोबाइल लाइक दिस फैक्ट के बावजूद मुझे कई बार ये लैगिश या बहुत ही स्लो लगा। रीज़न जानने पर पता चला कि यहाँ पर तो भाई जो हमारा डिवाइस का फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है इसका, MI Xiaomi यानी इनके सॉफ्टवेयर का। अब व्हाट वी कैन डू, तो वी कैन डू डीब्लॉकिंग। तो पूछ लेते हैं हम यहाँ पर डीब्लॉकिंग क्या होती है। डीब्लॉक क्या है? यहाँ भी हमारा थोड़ा बहुत गेम का मामला बता रहे हैं, पिछली भावनाएं भी समझते हैं अपन। तो डिब्लोट का सीधे सिंपल मीन्स होता है, डिब्लोटिंग का मतलब है बहुत ब्लोटिंग, हमने जो बारे में पूछी थी ऐप डिब्लोटिंग। तो भाई इसको उठा था कैसे आएंगे, ये भाई हमारे पेट में गैस बनवा देगा। तो भाई बड़ा सिंपल सी बात है, डिब्लोटिंग यानी कि किसी भी ऐप को हटा देना। बट हाउ वी कैन डू दिस? तो लाइक मेरा MI 11X डिवाइस मैंने यहाँ कनेक्टेड कर रखा है विथ ADB परमिशन। आई हैव इंस्टॉल्ड ADB ड्राइवर जो कि क्लॉकवर्क मोड के होते हैं यूनिवर्सल। देन दिस इज द थिंग एंड दिस इज द टूल दैट आई यूज फॉर माई एवरी डिवाइस। इवन दो मैंने बहुत टाइम पहले बहुत बार डिस्प्ले यूज करा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम से पहले जो भाई एक्चुअली वीडियो नहीं डाली थी, तो बहुत टाइम पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने यहाँ पर एक छोटे से सीन के बारे में आपको दिखाया था, जहाँ वन प्लस के डिवाइसेज जो थे एंड्रॉयड 13 अपडेट में लाइक 90 FPS स्टेबिलिटी गोन हो गई थी गेम्स में से। उसका सॉल्यूशन बताया था, लाइक उसको ही मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैंने इसको देखिए ओपन किया, यहाँ मेरा तो ये थोड़ा भाई बगी ही OS कह दूँगा मैं, कि इतना ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। लाइक मुझे कोई भी ऐप नहीं चाहिए तो मैं उसको हटा सकता हूँ यहाँ से। लाइक मुझे MI6 जो कि MI का यहाँ पर इसके वन ऑफ द यूजफुल सॉफ्टवेयर होता है, उसको मैं हटाना चाहूँगा। बट उससे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर मोबाइल डिवाइस अगर पॉसिबली हुआ मैं शो करने का एक बार ट्राई करता हूँ। यार किसी भाई अगर अपने आप सुनाऊँ तो मैं भी, मेरे पास वो चीज़ पड़ी ही होगी। दिस इज द थिंग यस टेस्ट ऑल यस बॉल। यहाँ थोड़े से कुछ इश्यूज रहते हैं, इसलिए मैं इसे करना नहीं चाहता था। बट मेरी ड्यूअल परमिशन से इसे दे देगा मुझे। लाइक देखिए जी यहाँ पर दिखा तो रहा है, अब मैं इसमें से कुछ ऐप हटाऊंगा, बीच बीच में ये डिस्कनेक्ट होगा। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिवाइस है बहुत ही सेम चीज़ को वर्क कर रहे हैं। लाइक अगर मैं बताना चाहूँ कि ये रोबो का, ये तो ऐसे एक्स्ट्रा डिवाइस की तरह हो गया, बट मैं इससे तो बैक चले जाता हूँ मेरे ही मोबाइल डिवाइस से। ये आपको सीन थोड़ा समझ में आ गया, अभी दोनों डिवाइस मेरे इसी में। अब लाइक मेरे पास कोई भी ऐसा ऐप मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो सबसे पहले MI6 यानी इस ऐप का आपको दिखाता हूँ। ये ऐप को ही अनइंस्टॉल करते ही वहाँ से स्क्रीन हटी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। यू कैन सी एंड जस्ट मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देन यहाँ पर से वो ऐप हट चुका है।
इस लिस्ट में से हट चुका है सीन, सीपीआई अगेन खोलना पड़ेगा मुझे आपको दिखाने के लिए। ये भी कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप मल्टीपल थिंग सेटअप नहीं कर सकते, तो ये इशू तो है, जब तक मैं आपके लिए इसको सॉल्व करने के पूरे ही ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखना होगा एक्सचेंज सी पी वाई कंप्रेस विद नहीं किया, यस लॉस N123 यस रन, ऑलरेडी सर्वर जो इधर यूज हो रहा था उसको डिलीट किया। अब आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर से वो सी चीज़ हट थी, तो ये डीम लोडिंग ऐसी चीज़ है। और आप इससे उन सभी ऐप्स को हटा सकते हो जो कि बाई डिफॉल्ट आपका सिस्टम आपको हटाने से मना करता है, पर अगर आप उन्हें हटाना नहीं चाहते तो आप उसके अलावा क्या कर सकते हो, इसलिए उसके भी सारे सॉल्यूशन आज आपको बताए जाएंगे। बहुत सारे सिंपल से वेज हैं, सम ऑफ द थिंग्स आर डन हियर। अभी ये थिंग्स तो हमें नहीं जाना, कभी भी आपको क्लियर इन डिसेबल ऑप्शन चूज कर लेना अगर आप किसी भी ऐप को हटाना नहीं चाहती, ये उसके आइकॉन को भी हटा देगा। एंड बहुत बेटर वर्क है ये, इन द केस आपको सिर्फ ऐप को रिमूव नहीं करना और सेफ रहना है अपने डिवाइस को बूट लूप में जाने से बचाने, क्योंकि इन सम केस ये आप ये वाली लाइन पढ़ेंगे तो आपको दिखता है मोस्ट ऑफ अनसेफ आर नोन टू बूट लूप द डिवाइस रिमूव, ये वाली कंडीशन से आप बचने के लिए सब कर सकते हैं। और अदरवाइज आप बूट लोडर अनलॉक करना भी सीख सकते हैं, इसके लिए मैं आपको टूल की लिंक कर दूंगा प्रोवाइड, जो मैंने बूट लोडर अनलॉक किया था लेटेस्ट टूल से, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से मैंने उसे डाउनलोड किया था। तो ये वीडियो तो यहीं तक ही, उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई होगी जिसमें आपको मैं डीप लर्निंग सीखी। तो भाई नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे विथ MI बूट लोडर अनलॉक टूल विथ लेटेस्ट वर्जन, नॉट वर्जन 6 वर्जन 7 एंड वर्किंग वर्जन। जस्ट ये बगी कह सकते हो आप, बस इसमें आप इंस्टेंट डाउनलोड कर सकते हो, मैं मैक्सिमम ऑफ लाइफ तो उसकी वीडियो साथ आपको मिलेंगे। बाय।